कर रहे हो? सुन भी रहे हो क्या कर रहे हो? यार लंदन जाने की टिकट बुक करवा रहा हूँ, चलेगी? क्या कर रहे हो? हाँ यार चलेगी, कितना मजा आएगा ना। सुनो मम्मी पापा को बुला लूँ? हाँ हाँ, मम्मी पापा भाई बहन चाचा फूफा अड़ोसी पड़ोसी सबको बुला ले, क्योंकि सबका तो मैंने ठेका ले रखा है। मम्मी पापा बहन भाई, अरे यार कुछ ज्यादा खर्चा नहीं आ जाएगा? जोर का झटका है, जोरों से लगा, हाँ लगा। नहीं नहीं, तेरे बाप ने हवाई जहाज दे रखा है ना, पूरे खानदान को उसमें ले चलूंगा। तुमसे तो बस हमेशा उल्टी बात करवा लो। अच्छा छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे से साफ बोलना, पैसे चाहिए। मैं तुमसे हमेशा पैसों के लिए बात करूंगी क्या? और क्या, शॉपिंग करनी होगी तुझे? वो तो मैंने पहले कर ली। अपनी माँ के घर जाना तो चली जाना, ड्रामा करके क्यों दिखा रही है मुझे? तुम अपने दिमाग लगाना बंद करो, तब मैं अपनी बात बताऊंगी ना। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, अकड़ती है बिगड़ती है हमेशा मुझसे लड़ती है। जल्दी वॉक। और मैं क्या सोच रही थी ना कि काफी टाइम हो गया, मैं अपने बहन भाई से भी नहीं मिली, तो मैं उन्हें कल घर बुला लेती। तुम भी मिले ना, मैं भी मिलूंगी। oh, no. मैं तेरे भाई बहन से मिलूंगा, पीछे के बात करा कर। मुझे नहीं मिलने तेरे भाई बहनों से, ठीक है ना? वो साले भूखे नंगे करके खाली हाथ आते हो, घर का इतना राशन खा के जाते जैसे शादी में फ्री का खाना खाने आए हो। अच्छा, और जब तुम्हारी बहन आती है रसोई में, दो दो घंटे खाना बनाती हूँ, वो नहीं दिखता होगा तुम्हें? खाने की बात ना, तो तुम रहने ही दो। तुम्हारे बहन ऐसा खाना खाते हैं जैसे भैंस भैंस के खाते खाते फट जाएगी। उसके भाई का घर है, जितना मर्जी उतना खाएगी। तेरे भाइयों की तरह नहीं, खाली हाथ आ जाती है, साड़ी लेकर आती है, जिसे तो पूरा साल पहन के घूमती रहती है। तुम्हारी बहन तो जैसे लाखों की साड़ी लाती है ना, वो जो 100 रुपए की गलियों में बिकती है ना साड़ी, वो लेकर आती है तुम्हारी बहन। इससे अच्छा तुम अपने घर के पर्दे पहन लो ना, उसमें ज्यादा सुंदर लगूंगी। पहन लेना पर्दे, जा चुड़ैल कुछ भी पहन ले तो चुड़ैल लगेगी। तो क्यों कर ली मुझसे शादी? कल मेरे बहन भाई आ रहे, बात खत्म। क्या अभी तो कर दी, मैं सोच रही हूँ। हाँ तो सोच लिया, बात खत्म। क्या बात खत्म यार, भगवान कैसी औरत दी है तूने मुझे? मैंने कटरीना मांगी थी, दे दी आलिया भट्ट। हाँ तो मुझे कौन सा अक्षय कुमार जैसा पति मिलेगा? मुझे अभी तो जॉन लीवर जैसा पति मिला है ना। जॉन लीवर सकल तो देख, अक्षय कुमार चाहिए। तुम भी तो देखो कैटरीना कैफ चाहिए। नहीं मेरे तो एल लग गए, 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 एल लग गए, मेरे एल लग गए। अरे मेरे भाई कहाँ है? दी गौरव को ना थोड़ा सा काम था, तो थोड़ी देर से आया। अच्छा ठीक है, तू तो अंदर आ। और बता घर में सब कैसे हैं? सब मस्त है। आप बताओ आप कैसी हो? और जीजू कहाँ है? अब तो लड़ाई नहीं होती ना आप दोनों के बीच? अरे यार तेरी जीजू के बारे में मैं तुझे क्या बताऊँ, उनकी तो आदत है छोटी छोटी बातों पर चैन चैन करने की। अच्छा बहन की आती मेरी बुराई स्टार्ट कर दी, कम से कम अपनी बहन को पानी तो पूछ ले। क्या जी, जो सिर्फ पानी? भाई अपनी दीदी के घर आई है, मतलब पेप्सी वेप्सी पी के जाऊंगी। हाँ हाँ, नमकीन बिस्कुट पेप्सी सब मिलेगा फ्री का, कौन सा पैसे लग रहे हैं? क्या जीजो, क्या बोला आपने कि मैं फ्री का खाने आई हूँ? अरे मेरा मतलब था, मैं कल कुछ सामान लाया था तो उसमें सारी चीजें फ्री आई है, तो पैसे थोड़ी लग रहे हैं। अच्छा मैं जो कॉल करनी है, तुम दोनों बात करो। अरे यार तू छोड़ ही नहीं, तू बता पेप्सी बिस्किट क्या पिएगी? अच्छा तू छोड़, तू बोलता तेरे पिज्जा ऑर्डर कर दूँ? हाँ हाँ, तेरे बाप ने फैक्ट्री खोल रखी है और मेरे पास पैसों का खेत है, जो मन में आया बोल दिया। ओह नो, क्या जीजू क्या बोला आपने? यार मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ, तुम दोनों बात करो। अच्छा तो बैठ, मैं तेरे लिए कुछ लेके आती हूँ। और बता क्या कर रही है आजकल? और सुन मेरी बात, आज नहीं तो 2-3 दिन रुक के जाएगी। हाँ हाँ, घर थोड़ी है, धर्मशाला है, सब यहीं पे आकर रह जाओ ना। धर्मशाला जी तो क्या बोला आपने? नहीं अगर आप मुझे बोल रहे तो मैं भी चली जाती हूँ। अरे मैं कॉल पे बात कर रहा था यार, मेरा दोस्त कह रहा था अपने परिवार को घर पे ले आऊं, तो तुम तो अपनी बात करो ना, मेरी बात क्या सुन रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि बाहर जाके बात करनी चाहिए? नहीं यार मुझे नहीं लगता, तुम दोनों को बाहर जाके बात करनी चाहिए, यहीं पे कर लो, बाहर इतनी धूप है, कहाँ बाहर जाके बात करोगे? जीजू दी आपको बोल रही है बाहर जाने को। अरे यार तू छोड़ना इनको, तू बता राकेश कैसा है? दी यार क्या ही बताऊँ उसके बारे में, ब्रेकअप हो गया मेरा उससे। अच्छा हुआ, ये तो होना ही था, चुड़ैल के साथ रहा तो यही होगा, बिना मेकअप के देख लिया होगा। जीजू आप क्या बड़बड़ कर रहे हो, चुड़ैल बोल रहे हो? मैं आपको चुड़ैल दिखाई देती हूँ। यार वो मेरा दोस्त विरान मूवी देख रहा था, तो उसने बिना मेकअप के चुड़ैल देख ली, तो वो डर गया, तो मैं उससे इसलिए कर रहा था, बिना मेकअप के देखेगा तो भाई डर गया होगा। और वैसे भी तुम मेरी बात सुन क्यों रहे हो, मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ यार।
या तो तुम कॉल कट करो या बाहर जाके बात करो। जीजू बाहर जाओ आप। अच्छा मतलब तुम दोनों बहन मिलकर मुझे घर से बाहर भगाना चाहते हो। तुम्हारा बाप भी आ जाएगा ना, इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता मुझे। देख रही है इस आदमी को, इसी चक्कर में मेरा डेली का क्लेश होता है। हाँ अपनी बहन को देख रही तू। अरे बस दोनों दी ऐसा करते हैं, अभी बाहर चलते हैं घूमने। और जीजू प्लीज गौरव आ तक प्लीज आप मुझे देख लेना। चलो दी। हाँ हाँ ठीक है जाओ। हमारे जा रहे हैं। तो जाओ ना। Two hours later. जियाजी क्या हाल है? ये क्या तरसे दुनिया में प्यार जब बरसे, जाने दिल ये क्यों तरसे। जियाजी मैंने मैंने कहा है मेरी। अरे इधर आओ यार तुम। अबे यार तेरी बहन अभी भी मार्केट में गई है, तो जाके देख तुझे मिल जाएंगी। जिया जी इतने जल्दी नहीं जाने का मैं, तुमने तो आते भगाने की पड़ गई। एक काम करो चाय वाय ले आओ जाके जाओ। तेरी बहन की क्या? तेरी बहन की गैस खत्म हो गई, चाय कहाँ से पिएगा? यार तुम तो बहन जी चीज कभी कंजूस हो। एक काम करो पेप्सी ले आओ, वो थोड़ी गैस पे बनती है। साले साहब कोरोना चल रहा है, ठंडी चीज खाएंगे दोनों बीमार हो जाएंगे। जिया जी क्या फिल्म हो यार तुम है? मैं तो सोच रहा मेरा जीजा जी ओडी ब्लड वाला होगा, तुम तो यार कतई कंजूस निकले हैं। कंजूस मतलब टिकटॉकर हैं, खोदा पहाड़ निकला टिकटॉकर। बहन के लोन चल रहे तेरे, तो मैं कहाँ से सेविंग करूँ भाई, बुलेट कहाँ से आएगी मेरे पास। अरे जिया जी छोड़ो यार, तुम एक काम करो तुम दारू ले आओ, और नहीं है तुमको मैं लेके आता हूँ, स्कूटी में पड़ी होगी मेरी। तुम एक काम करो जब तक 2 किलो चिकन नमकीन बिस्कुट ठीक है लेके आओ। मैं तेरे बाप का नौकर हूँ क्या है? 2 किलो चिकन मैं पूरे खानदान का भी 150 ग्राम चिकन खाया है। मुझे पता होता ना बेटा तुम शादियों में जाकर सोयाबीन की चाकू चिकन समझ के खाते हो, तो माँ का तो वही रिश्ता तोड़ देता। पर क्या कहता तेरे बाप ने, मेरी बेटी बहुत सुंदर है, अब उससे ज्यादा तो चुड़ैल अच्छी लगती है, समझा? पूरा खानदान की चूतिया हो क्या? अरे पूरा खानदान ही चूतिया बता दिया हमारा। रुको के होया इफ यू लाइक अवर वीडियो सो प्लीज शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और अब सैड मोटिवेशनल वीडियोस, इमोशनल वीडियोस आएंगी इस महीने। एक और वीडियोस आने वाली हैं, सरप्राइज है वो एक बहुत ही इमोशनल वीडियोस है, सोशल मैसेज है उसमें। तो बस आप लोग सपोर्ट करना, हम काम करते रहेंगे। थैंक यू, कीप सपोर्ट।